हाय गाइस, मैं आपकी दोस्त रिद्या सिंह। और आज जब मैं बाहर गई तो मैंने मेडिकल्स और राशन की दुकान के बाहर देखा कि लोग झुंड में खड़े हैं, पास पास खड़े हैं एकदम। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं वेयर अ मास्क, उनमें से आधे लोगों ने मास्क भी नहीं पहना। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मेंटेन 1 फीट डिस्टेंस फ्रॉम पीपल। नहीं, लोगों को नहीं सुननी है गवर्नमेंट की, खुद की चलानी है और फिर लास्ट में ब्लेम करना है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट अपने मेजर्स ले रहा है, अपने सेफ्टी मेजर्स ले रहा है। हर जगह जहां पे क्राउड जमा होता है गवर्नमेंट ने हर चीज बंद कर दी। शॉपिंग मॉल, स्कूल्स, एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गाइस, ट्रेन्स बंद कर दी, फ्लाइट्स बंद कर दी, बस, एनी ट्रैवल थिंग, एनीथिंग। रोडों पे पुलिस खड़ी है, पुलिस मार रही है लोगों को, वीडियोज आ रहे हैं ऐसे हमें, लेकिन आपको नहीं टेंशन है गाइस? अपनी नहीं, एटलीस्ट अपने घर वालों की सोचिए, अपने घर वालों के आसपास पड़ोसियों की सोचिए, अपने अपने इंडिया की सोचिए गाइस। इटली और चाइना में लोगों ने इतना सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया, इसलिए वहां पे आज हजारों में लोग मर चुके हैं गाइस। इटली में अभी कल 10,915 लोग मर गए हैं। इंडिया अभी भी सेफ है, इंडिया अभी भी आपके हाथों में है। अगर आपने अभी प्रिकॉशंस नहीं लिया, अगर आपने अभी गवर्नमेंट की नहीं सुनी, सो हम जा सकते हैं फेज 3 में। गवर्नमेंट ने सिर्फ 15 दिन का लॉकडाउन लगाया है गाइस। अगर इन 15 दिन के लॉकडाउन में एक भी केस या फिर फेज 3 पे इंडिया पहुंच गया, सो इट कैन बी अ 3 मंथ लॉकडाउन। अब आपके हाथों में है कि आपको 3 मंथ का लॉकडाउन चाहिए या 15 दिन की सेफ्टी मेजर्स लेना। इट्स इन योर हैंड्स, योर सेफ्टी इज इन योर हैंड्स। प्लीज गाइस, स्टे